हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की। यहां पर देख सकते हैं एक रिकर्सिव नेचर का प्रोग्राम मैंने लिखा है और ये फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए है। तो यहां पर इसमें मैंने कहीं भी लूप यूज नहीं किया है। जो प्रोग्राम आप रिकर्जन से बनाते हैं, रिकर्जन किसे कहते हैं, रिकर्जन यानी कि जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे कहते हैं रिकर्जन। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब जो प्रोग्राम हम लोग रिकर्जन से बनाते हैं उसे हम लूप की भी मदद से बना सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोग्राम लूप से बना रहे हैं वो भी हमेशा रिकर्जन से ही बने, ये कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं और यहां से रन कराने की कोशिश करते हैं। तो पहले सेव करेंगे, तो इसको सेव करते हैं यहां से चल करके। ठीक है, यहां पर इसे मैं नाम दे देता हूं rec.cpp। cpp C++ के फाइल की एक्सटेंशन होती है। अब ये प्रोग्राम हमने सेव कर लिया है और अब बारी है रन कराने की। तो ये रन भी हो गया, देख सकते हैं। अब कह रहा है यूज ए नॉन नेगेटिव नंबर, यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं देना है हमें। तो यहां पर अगर हम बात करें 8 लिखता हूं मैं, तो यहां पर 8 का जो फैक्टोरियल आएगा वो यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आया हुआ है, 40,320 8 का फैक्टोरियल है। चलिए इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करवाते हैं यहां से। तो यहां पे क्लिक कर देते हैं और ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। अब इस बार हम बात करेंगे 5 के फैक्टोरियल की। तो यहां पे देख सकते हैं 120 आ रहा है। अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, 5 का। तो यहां पे मैं लिखता हूं 5। अच्छा ये बताइए 5 का फैक्टोरियल 120 हुआ, ये कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले, अच्छा ये बताइए 5 किन किन चीजों, अच्छा एक बताइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि 5 में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहले जो 5 में इंक्लूड होगा वो क्या इंक्लूड होगा, 5 में जो सबसे पहला नंबर इंक्लूड होगा वो 1 होगा। भाई 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये 1 हो गया, यहां पर मैं कर लेता हूं 1, तो पहला नंबर हो गया 1। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 2, फिर तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 3, फिर चौथा नंबर 4 हो जाएगा और फिर एट लास्ट आएगा 5। यानी इन पांचों के मल्टीप्लाई कर देने से, अब पांच ही क्यों, क्योंकि 1 पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 चौथा और 5। यानी 5 का अगर हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो इन पांचों को एक साथ मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां पर पांचों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहां 1 लिखता हूं, 1 अब 2 भी हो सकता है, तो 1 इंटू 2 किया। ठीक है, अब 2 इंटू 3 करेंगे, ध्यान दीजिएगा 3 भी हो सकता है ना। ठीक है, फिर यहां 3 इंटू 4 करेंगे, अब देखिएगा ये 4 तक आ गए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 और यहां पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये 24 हो गया। अब 24 में अगर 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 24 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ऐसे कंडीशन में आएगा आंसर हमारा 120। क्या आएगा 120, मैं यहां लिख देता हूं 120। कितना फैक्टोरियल आया हुआ है यहां पर, देखिए यहां पर कैलकुलेट होकर आया हुआ 120। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कैसे ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है,